हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द अनकट लाइफ ऑफ प्रतिकार। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सुबह सुबह कॉफ़ी पीते पीते नए व्लॉग की शुरुआत की, और कल वाले व्लॉग में देखा वैसे मोरबी का जो कार्यक्रम था वो निपटा के अभी हम आ गए थे कुछ 39 रिसोर्ट करके, मेरे को नाम भूल गया। वहाँ आए थे सुबह 7 बजे, उठ गए थे, मस्त ब्रेकफास्ट किया, इतना भर पेट ब्रेकफास्ट किया ना भाई कि दोपहर को खाने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक कॉफ़ी मंगवाई थी, ख़त्म नहीं हुई, सोचा थोड़ा बहुत खाने खाने के बाद क्या टहल लेता हूँ तो क्या थोड़ी जगह हो जाएगी ना, तो बाद में थोड़ा कॉफ़ी पी लेंगे। और आया था मैं स्विमिंग पूल देखने के लिए, इच्छा थी नहाने की, बट पानी इतना गंदा पड़ा है ना कि इन लोगों का अंडर मेंटेनेंस गया स्विमिंग पूल, मतलब अभी वो उसका साफ़ सफाई करेंगे वैसा कुछ सीन है, तो सोचा नहाने का प्लान भी कैंसिल हो गया। अभी जाता हूँ रूम में, कल वाला व्लॉग को एडिट भी करना है, एडिट करके उसको पोस्ट भी करना है। धीरे धीरे करते रहेंगे काम अपना, और निकलना है आश्रम के लिए आज रेडी, नहा धो के रेडी होके, क्योंकि आश्रम पे आज जो बाकी का जो स्लैब है उसका काम चालू होगा, मतलब अभी ऑलमोस्ट हो गया होगा। मैंने फ़ोन किया था, अभी तो बोल रहे थे आधे घंटे में काम चालू कर देंगे। तो चलिए व्लॉग में आ गए, व्लॉग पूरा देखिए, मजा आएगा। तो दोस्तों अभी व्लॉग को रख दिया एक्सपोर्ट होने के लिए, एडिट हो चुका है मस्त, और इधर देखो पोपट भाई नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। और कल रात को आपको ये व्यू नहीं दिखा सका क्योंकि लाइट नहीं थी ना, अंधेरा हो चुका था। अभी आप देख लो एक प्यारा सा हमारी जो रूम की छोटी सी बालकनी, उधर से व्यू आता है। और इस साइड तो सब क्या बोलते हैं टाइल्स और उसकी सब फैक्ट्री है, इस वाले हाईवे पे मोरबी राजकोट हाईवे पे। मामा भी रेडी हो चुके हैं, चलो अभी मैं फटाक से रेडी होके आता हूँ और बाद में आप लोगों को मिलता हूँ। और 11 बज चुके हैं। एक बार रूम से हमेशा एक बार दोस्तों याद रखना, कभी भी आप होटल से चेकिंग वगैरह करो तो एक बार रूम जो है ना ध्यान से चेक कर लेने का होता है, क्योंकि आपका कोई कीमती सामान ना छूट जाए। बस अगर छूट भी जाए तो क्या, जाता तो नहीं है, बट वो याद करके फिर आना पड़ता है यार, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। क्या भूल गए? अच्छा हाँ, तो चलो अभी फाइनली हो रहा है हमारा चेकआउट। और ये कुछ ऐसा क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई पता नहीं, बालकनी तो नहीं बोलते, आना हो क्या मामा, बालकनी तो ना क्या है, कॉरिडोर, कॉरिडोर व्यू बोलते हैं, कॉरिडोर। दादा थे जिन्होंने जय श्री कृष्ण पूरी क्या बोलते हेल्प कर दी, वो बेचारे पूरे राजकोट हाईवे तक छोड़ने आए, बोले कि मेरे पीछे आने दो मैं आपको छोड़ जाता हूँ। ऐसे लोग होते हैं हमारे काठियावाड़ में जो अपने टाइम में से टाइम निकाल के पूरा हेल्प करते है ना मामा। काठियावाड़ है भाई, यहाँ मेहमान को भगवान मानते, क्या बात है, और इतना दिल से चाहते है कि आप जितने भी दिन यहाँ रहोगे आपको घर जाने की इच्छा ही नहीं होगी। और इसीलिए हमारे गुजरात के काठियावाड़ में कहावत भी है, अगर भगवान की मेहमान गति करने आ जाए ना, अच्छा तो वो भी इधर खो जाते हैं। तो कोक दिख तो भूलो पड़ काठियावाड़, तने स्वर्ग रे भुलाऊ श्यामला। वाह भाई वाह, अभी पहुंच चुके हैं राजकोट। और एक सरप्राइजिंग बात बताओ, ये आपको लगेगा शॉपिंग मॉल, बट राजकोट की एक खासियत है कि ये शॉपिंग मॉल नहीं है, ये है भाई राजकोट बस स्टैंड। ये इतना मतलब गुजरात का शायद पहला ऐसा मॉडर्न बस स्टैंड था जो पूरा का पूरा गुजरात का पहला ऐसा बस स्टैंड था जो पूरा का पूरा एकदम मॉडर्न था। तो देख सकते हो ये वाला एक कोई बोता ही नहीं सकता भाई, ये बस स्टैंड है, ये लगता है कोई अच्छा सा शॉपिंग मॉल होगा, एयरपोर्ट जैसा बनाया था और इसके बाद बना था बड़ौदा में, बट सबसे पहले बना था राजकोट का। देखो वेलकम टू राजकोट बस पोर्ट आ गया भाई। अभी दोस्तों हमारे डॉक्टर प्रतीक साहब के ऑफिस में बैठ के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अभी डॉक्टर प्रतीक अमलानी जो हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनका नया हॉस्पिटल यूरो केयर किडनी हॉस्पिटल राजकोट में अभी थोड़े दिन पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तब हम इनविटेशन था बट आ नहीं पाए थे, आज राजकोट में थे तो 2-3 मीटिंगें निपटानी थी, तो सोचा प्रतीक साहब से भी मिल लेते और दोपहर के बजा दिए हमने यहाँ बैठे बैठे एक, हमको पहुँचना था आश्रम 2-3 बजे बट इम्पॉसिबल सा हो जाएगा क्योंकि यहाँ से और बहुत दूर जाना है, राजकोट से पूरा मऊआ जाना है, और वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ था तो सोचा अब इधर वाईफाई था तो मैंने बोला अपना काम भी हो जाएगा और प्रतीक साहब में मिलना भी हो जाएगा। वो अभी अंदर ऑपरेशन थिएटर में, उनका एक सर्जरी चल रहा है, वो जैसे ही सर्जरी निपटाएंगे बाद में आएंगे, थोड़ी वार्तालाप होगी और आगे की हमारी जर्नी स्टार्ट। और दोस्तों अभी बज चुके हैं दोपहर के ऑलमोस्ट 3, वैसे तो लेट बहुत हो रहा था बट बीच में हमारा गोंडल आ गया, हमारा गोंडल आया और हमारे मित्र से मिले बिना जाए, हमारे स्मित भाई हमारे रचित भाई को मिलने के लाए, और उनका थोड़ा गोडाउन भी आपको दिखा देते हैं, वो अभी बताएंगे गोडाउन के बारे में। क्या बोल रहे हो? अभी मैं बताया ना मैंने, जैसे समुन्द्र में मोती रहता है, मोती को ढूंढने के लिए एक अच्छे पवित्र हंस की जरूरत होती है, तो इस
समुंदर है और ये हंस की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक आइटम का जो भी कुछ समुंदर रहता है और समुंदर के बीच से जो शिफ्ट आती है उसके अंदर जो कंटेनर होता है, कंटेनर से निकला हुआ मोती यहाँ गोंडल के अंदर हमारे स्मित भाई और उसका भाई रचित भाई और सब रचित भाई काम कर रहे हैं। आइए कॉन्टेक्ट नंबर भी स्मित भाई का, जो उसका बिजनेस और डेवलप करना है तो भाई ब्लॉग के माध्यम से। और आप एक बात सच नहीं मानोगे, यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना सब ब्रांडेड है, सब ओरिजिनल आती है, बिल के साथ आते हैं स्मित भाई, बिल के साथ। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो एमआरपी है उससे 50% 50% लेस में मिलती है। और दूसरी दोस्तों बात ये है कि हमारा जो आश्रम बन रहा है उसके अंदर स्मित भाई का योगदान बहुत बड़ा है। जो हम कपड़े पहनते हैं वो कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो साफ सुथरे आते हैं, तो जो वॉशिंग मशीन की जरूरत रहती है ना, वॉशिंग मशीन स्मित भाई ने पैर में एक वॉशिंग मशीन रख दिया, एक्स्ट्रा दे दिया है कि आप रखो। और आप ये व्लॉग देख रहे हो, मतलब जो जो कोई भी लोग सौराष्ट्र से देख रहे हैं, राजकोट, जामनगर, काठियावाड़ में कहीं से, ये पूरा गोंडल में गोडाउन है। मैं नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक कॉन्टेक्ट नंबर सब डाल दूंगा, आप देख सकते हो पूरा। ये देखो सैमसंग का फ्रिज हो गया, ये महंगा वाला है, डबल डोर, ट्रिपल डोर, सब बड़े बड़े फ्रिज है ये सब। और सब जो शोरूम में मिलते हैं ना उसे 50% में मिलेंगे और पूरे के पूरे नए फ्रेश पीस विद व्हील वारंटी के साथ। और ये तो भाई हम बोल रहे हैं, हम प्रमोशन नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं मतलब कुछ होगा तभी बोल रहे, वरना आज तक आपने कोई दुकान का व्लॉग नहीं देखा होगा। और पोपट भाई ने तो कहीं पे भी नहीं बोला होगा कि आप इधर से लो, यहाँ बोलने का रीजन कुछ तो होगा भाई। तो दोस्तों अभी हम आए गोंडल में, हमारे स्मित भाई लेके आए एक जगह जो हाथ से शूज सील के बनाते ना, उधर माप दिया है अभी दोनों भाइयों ने स्पेशल, तो यही करवाने के लिए आए ऐसा ही समझ लो, क्योंकि ये मेरे दिमाग में थे जब से मैंने स्मित भाई के शूज देखे थे ना। हाँ बस ब्लैक कलर हो, तो जो अभी पैटर्न देखी उस टाइप का कुछ बनवा रहा हूँ मैं। बाय बाय, हाँ चलो। अभी गोंडल का प्लान तो नहीं था बट आ गए तो आ गए, और आए तो दो तीन काम हो भी गए। अभी यहाँ से आश्रम पे पहुँचना है और मैप में दिखा रहा है 4.5 घंटे बट इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 4:30 बज गए 4.5 घंटे लगेगा तो सीधा हम 9 बजे पहुँचेंगे आश्रम पे भाई, तब पहुँच के कुछ काम भी नहीं हो पाएगा हमसे। अभी चलो चलाते हैं गाड़ी, हमारे भाई बड़े भाई मस्त। तो अभी देखो हमारे भाई ने ट्रैफिक कर दिया है पूरा रास्ता, छोटी सी गलती के कारण पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। और अभी हम पहुंच चुके हैं बादलपुर भाई, जो नींद आ रही है ना कसम से बहुत भारी वाली नींद आ रही है, पता नहीं ये भाई कैसे चला रहा है इधर, वो ओळखी था नहीं कोई के सब्सक्राइबर ऐसे भाई इसे खड़ी कर दी ना बीच रास्ते में गाड़ी, अब बात ही मत पूछो अभी तो। और देखो कितना दिखा रहा है 130 किलोमीटर और अराइविंग टाइम दिखा रहा है 8:30 बजे का, अभी देखते हैं कब पहुंचते हैं वो। तो यहाँ पे रास्ते में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो अभी हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। बहु वाई को नहीं ने अच्छी बात है दोस्तों, कुछ हुआ नहीं है, ज्यादा लगा नहीं है, ना ना चला ही ले तो रुके। इमरजेंसी में देखा यार कोई गिरा हुआ था तो हमको लगा कुछ इमरजेंसी लगे तो गाड़ी तुरंत रोकी, बट होपफुली भगवान की दया से कुछ हुआ नहीं है। अभी ऑलमोस्ट महुआ पहुंचने में 30 किलोमीटर बाकी और रात के हमने बजा दिए इधर 7, अभी चलो आश्रम पहुंच के मिलते हैं। रात के 8:10 की बाकी और हम ब्लॉक पहुंच गए अपने आश्रम पे। आते ही विमल भाई इधर उपस्थित है, कैसे हो भाई, बढ़िया मावा सोल रहे हो मावा, हमारे गुजरात में भाई मावा बहुत खाते ना सब लोग। क्या गाड़ी में क्या कार्टी कर रहे हो तुम, लाइट सेट कर रहा हूं। लाइट सेट कर रहे हो, क्या बात है, करो करो आप अपना काम करो। माय डियर ब्रदर हाउ आर यू माय ब्रदर, ऑल गुड, बाकी है यार भूख लगी अभी बाकी है, कैसा है भाई, कोई बढ़िया है ना सब, एकदम नंबर नंबर वन है ना। मिस कर रहा था मेरे को, नहीं कर रहा था, कर रहा था भाई, बीमार हो गया अभी ठीक है ना सब, ठीक है ठीक है। हाँ सुनील ब्रो हाउ आर यू, सारू जय सारू जय, सभी भाई लोग हमारे मेरे को याद कर रहे थे भाई। हिम्मत भाई ने भाई सुबह से 15 फोन कर दिए, क्या काम था बोलो, भागे है ना मैं, अरे कुछ काम नहीं था, आप हर घंटे में बोल रहे आप 10 मिनट 20 मिनट ऐसे बोल देना सही है ना, 8 बजे तक नहीं आए, क्या 8 बजे तक नहीं आएगा दोस्तों, हमारा प्लान था सुबह 8 बजे आने का पर पॉसिबल ही नहीं पाया, हो पाया आए रात को 8 बजे, देखो 12 घंटा लेट चल रहे पूरा, क्योंकि पूरा स्केड्यूल जो था हमारा बिखरा पड़ा था। हिम्मत भाई मजा आएगी, क्या क्या ना मजा आएगी, दूध पी रहे हो, वेलकम हुआ है सोशल मीडिया आश्रम में दूध के साथ,
क्या बात है। और स्लैब हिम्मत भाई पूरा कंप्लीट हो गया ना, 6 बजे कर दिया, क्या बात कर रहे हो। हिम्मत भाई ने आज तो सामने से फोन करके बताया, क्योंकि वो आज वाक में नहीं थे ना, बोलते 6 बजे स्लैब कंप्लीट। आ हुआ तो हिम्मत भाई, ये क्या है, छाछ लेके आये, दूध, गरम दूध मस्त दूध पिलाए, स्लैब हो गया कंप्लीट। अभी तो नहीं जाएंगे क्योंकि रात हो गई, दिखा नहीं पाऊंगा और कुछ दिखेगा भी नहीं। सुबह हम जाएंगे उधर और दिखाएंगे आपको कहां तक काम कैसा उतरा से। मेरे को भेज दो, चलो हिम्मत भेज दे रहे, वो डाल दूंगा ऐसा, अगर कैसे उतरूंगा हर को नहीं उतर रहे हो, क्या ना मतलब से और बापा क्या कहना चाहोगे? तो हूँ कह जाए काम तो पूरु थी गये। अच्छा, आगड़ी आवी અને રાતના 10 વાગ્યા, 8 વાગ્યા, હું 10 વાગ્યા, 8 વાગ્યા, બોલો મને વરાગડીએ કે જૂનાગઢ પહોંચ્યા, બોલ પણ લોંગડી પહોંચ્યા, મેં કે તારે ભાઈ એનું કામ હું સહી મને કે, હા એ જ ને, તમને કે તમે એને ફોન કર્યો, મેં કે મારે એનું કઈ કામ નથી, બરાબર છે, ગયમું મને બાપાનું કામ ગયમું, તમે અહીંયા ગયા છે તો મોસ્ટી મેં કે આવે, હા બરાબર છે, અને એક છોકરે મને એક કાલ કે પમદી હાથે જવાબ દીધો તો તમારી પરિચય કે રખડું છે, હા હા, કોણે દીધો તો એ છોકરાનું નામ હવે જાહેર દીધું। दोस्तों चलो अभी आराम कर रहे हैं थोड़ा, है ना, आठ वागे सब भरपूर ने परसादी में दूध पी रहा हम आवे। मुकेश भाई अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्या अनाउंसमेंट, दूध पीने कर रहे हो हैं और क्या कर रहे हो? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। दोस्तों मेरे ब्लॉग में पिछले एक वीक से एक कॉमेंट आ रही थी लाल दादा के लिए, लाल दादा को आप लोग बहुत मिस कर रहे हो ऐसा मेरे को पता चला। लाल दादा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण भाई, पोपट भाई नहीं प्रतीक भाई से, हाँ मजा माँ ले हमारा हाथ बदलाई गयो से प्रतीक भाई से मजा माँ ने मजा बापा बदा तमने बहुत याद करे से कई क्यों तुम्हारे याद तमने बदा बहुत याद करे से कौन बजा બધા જે આપડા વિડીયો જોવે ને એ બધા બહુ યાદ કરે કઈ કયો બે શબ્દ એમના વિશે જમી લીધું કલાક થઈ હું જમ્યા ખીચડી ખીચડી દૂધ પીધું કે બાકી દૂધ પીધું મને દીધું ને પીધું ને આજો અત્યારે હું પીવું છે તમારે આખો ગ્લાસ પી ગયા હું આખો ગ્લાસ પીવું દાદા બાકી અડપ રે ને અડપ રહી ને મજા આવે ક્યાં અહિયાં કઈ દખ નથી ને સારું હાલો હવે હુઈ જાવ કાલે મળવો ને હા અહિયાં છું હમણાં હા હાથ જોડો માં જય શ્રી કૃષ્ણ કહી દે એક વાર જય શ્રી કૃષ્ણ દોસ્તો યે થે અમારે લાલ દાદા જિનકે બારે માં બહોત કોમેન્ટ કર રહે થે કે લાલ દાદા સે મિલવાઓ લાલ દાદા સે મિલવાઓ ફાઇનલી આપ લોગો ને મિલ લિયા ના મે નહીં થા યાર આશ્રમ પે વરના આપકો એક બારી બોલના પડતા બારી બારી નહીં બોલના પડતા ચલે દોસ્તો अभी नहा धो के हो चुका हूँ पूरा एकदम रिलैक्स्ड और इसी के साथ ये व्लॉग का एंड करने का टाइम आ चुका है मालूम लाओ चलो थैंक यू ओके तो ऐसा बोल रहा था नहा धो के रिलैक्स्ड हो चुका हूँ अभी जाऊंगा सीधा सोने के लिए सुबह उठूंगा बिल्कुल एनर्जी है नहीं शरीर में तो चलिए अभी इसी व्लॉग को यही एंड करता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको पसंद आया तो आपके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए चैनल पे अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब किए भी मत जाना तो मिलते हैं अब नए व्लॉग में नए दिन नए विचार के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें अपने आसपास सबकी सेवा करें जय हिंद जय भारत।